गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर्स आईटीपीएमटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट माय नेम इज रोहित, टुडे इज माय चैप्टर इज एलिप्स। एंड स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस बाय द टेंजेंट। देखिए, आज के टाइम पे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चनों पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट जो है सर्कल और पैराबोला के लिए भी बन सकती है, पैराबोला और एलिप्स के लिए भी, और सर्कल और एलिप्स के लिए भी, और एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी। तो कोई भी टू कर्व गिवेन होंगे तो हम इसको प्रोसेस क्या करते हैं, सबसे पहले एम टर्म पे स्लोप फॉर्म पे यानी एनी टेंजेंट यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पर सर्कल की एनी टेंजेंट यूज करेंगे, साथ में एलिप्स की भी एनी टेंजेंट यूज करेंगे एम फॉर्म पे, यानी एम फॉर्म पर इसकी भी टेंजेंट यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे एम फॉर्म पर। देखिए, एम फॉर्म पर यूज करेंगे तो वो ईजी होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स तो दिए नहीं गए, पैरामेट्रिक पॉइंट यूज कर सकते हैं, फिर इन्फाइनाइट सोल्यूशन अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को इजी और कम समय पे अगर करना चाहते हैं तो हम स्लोप यानी एम फॉर्म पर टेंजेंट को यूज करेंगे, सर्कल की और एलिप्स की भी, और बोथ आर कॉमन टेंजेंट, इसलिए दोनों के बोथ लाइंस के यानी बोथ टेंजेंट के सोल्यूशन क्या होंगे, सेम, यानी इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगी, बोथ आर कोइंसाइड होंगी। ठीक है, तो देखिए इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले आप देखिए सर्कल, इसका रेडियस 4 है, तो आप सर्कल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, और आप एलिप्स में देखें तो यहाँ ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 2 है, तो यहां से होगा बी का वैल्यू। ठीक है, अब इसने कहा एक कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा, तो देखिए यहां पर ये कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ये पी है, ये क्यू है, और ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ठीक है, देख लीजिए ना, कॉमन टेंजेंट यानी यहां पर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मीनिंग है कि यहां पर जो एम होगी वो लेस देन जीरो होगी, बट अगर वो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे बोलता तो यहां पर कॉमन टेंजेंट होती। ठीक है, कॉमन टेंजेंट इधर पे होती सेकेंड क्वाड्रेंट पे, और यहां थीटा क्या होता उस केस में, अक्यूट एंगल होता। ठीक है, तो यानी यहां पर इस केस में एम जो होता वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एम क्या होगा, पॉजिटिव, और इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पूछा जा रहा है तो स्लोप कैसी होगी, निगेटिव यूज होगी। तो सबसे पहले देखिए सर्कल गिवेन, ठीक है, सर्कल गिवेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, लेट द टेंजेंट, तो इसकी देखिए टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। तो बता यहाँ आ जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस 4 अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब एलिप्स गिवन है, एलिप्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो इसका टेंजेंट लेट करते हैं, लेट द टेंजेंट। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर कोइंसाइड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर कोइंसाइड। ठीक है, बिकॉज रिप्रेजेंट सेम लाइन, दोनों ही लाइन, दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कोइंसाइड क्यों है, क्योंकि सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज दे आर कॉमन टेंजेंट, दे आर कॉमन। ठीक है, कॉमन टेंजेंट, तो देखिए
इन दोनों इक्वेशंस पे ध्यान दीजिए, तो y y का कोफिशियंट सेम, m m का कोफिशियंट सेम, देन c का भी कोफिशियंट सेम होगा, यानी a1 वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, देन हो जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 25 एम स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो जाएगा 25 एम स्क्वायर प्लस 4 9 एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4, 9 एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12/9 यानी 4/3, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2/√3। तो m की वैल्यू जो बेटा इसमें निगेटिव वाली ली जाएगी, ठीक है, बिकॉज m क्या था, लेस देन 0, और m इक्वल टू प्लस 2/√3 ये फेल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। क्यों, m जब लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट पे पूछता तो m की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो m की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। तो ये वाला आप आंसर में रखेंगे और ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव। क्यों कैंसिल किया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा और स्लोप निगेटिव होगी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप m की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दें या सेकेंड पे, चाहे सेकेंड में पुट कर दें फर्स्ट में, सेम आंसर आएगा, m की वैल्यू माइनस 2/√3 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर यानी 4/3, ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/√3 एक्स प्लस माइनस 3/7 यानी 4/3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए इसमें से केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही यूज करनी है हमें, इसमें दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस आ रही है और एक माइनस आ रही है, तो हम इसमें से भी एक सेलेक्ट करेंगे, दोनों नहीं, देखिए यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यूज करनी है, इसलिए हम केवल इसमें से पॉजिटिव वाली यूज करेंगे, निगेटिव वाली को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा आंसर लेंगे, पॉजिटिव वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, टेकिंग पॉजिटिव, तो जाएगा 2/√3 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4/√3/7, ठीक है, दिस इज अ आंसर। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब जाएगी तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होते हैं, ए भी पॉजिटिव होता है और बी भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट बनाएंगे, इंटरसेप्ट पोजिशन ए और बी जो कि पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। अब क्या निकालना है, टेंजेंट तो इक्वेशन आ गई, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, यानी हमें इंटरसेप्ट भी निकालने हैं कि एक्स एक्सेस में कितना कट करती है और वाई एक्सेस में कितना इंटरसेक्ट करती है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए यहां पर इक्वेशन को इंटरसेप्ट में चेंज करेंगे तो एक्स अपॉन हो जाएगा √3/2, ठीक है, प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 4/√3/7। अब यहाँ वैल्यू 1 होनी चाहिए, इट शुड बी 1, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ आप डिवाइड कर देंगे √3/2 × 4 × √7 × √3, इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा, डिवाइड करने पर 2 × 4√7/√3 प्लस वाई अपॉन 4√3/√7 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x की अपॉन 2√7 आ गया प्लस वाई अपॉन 4√3/√7। तो बेटा ये x एक्सेस का इंटरसेप्ट हो गया और ये वाला y एक्सेस का इंटरसेप्ट हो गया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप इसे, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लिखा था इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर्स एडवांस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द टेंजेंट टेंजेंट एट द पॉइंट 4 cos थीटा कॉमा 16 बाई रूट 11 sin theta to the ellipse 16x square plus 11y square equal to 256 is also a tangent to the circle x square plus y square minus 2x equal to 15. Then value of theta is, okay? This is the most important question for JEE mains. देखिए आप इस question को आप ध्यान से देखिए। If the tangent at the point 4 cos theta 16 root 11 sin theta to the ellipse 16x square plus 11y square equal to 256 ठीक है is also a tangent to the circle, यानी ये जो point है इस पर इस ellipse की tangent find करनी है और जो tangent है वो circle को भी touch कर रही है। तो देखिए यहां पर जो सर्कल दे रखा है वो शिफ्टिंग फॉर्म पे दे रखा है, देखिए ना, तो यानी कॉमन टेंजेंट एम फॉर्म पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर पॉइंट भी दिया गया है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें पॉइंट मिसिंग था, यहां पे पॉइंट गिवेन है, तो यहां पर हम एम फॉर्म यूज नहीं करेंगे। एम फॉर्म क्यों नहीं, यानी स्लोप फॉर्म क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी पॉइंट गिवेन है, तो हम पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट एट पॉइंट 4 cos थीटा कॉमा 16 बाई रूट 11 साइन थीटा ठीक है टू द एलिप्स 16x square plus 11y square equal to 256। आप जानते हैं बच्चों, जब हम tangent की equation लिखते हैं तो x square change into x x1, y square change into y y1, ठीक है? तो यहाँ पे 16x x1 हो जाएगा, 11 y y1 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, x1 की value, y1 की value put कर दें, तो 16x into 4 cos theta प्लस 11y इंटू 16 बाई रूट 11 साइन थीटा इक्वल टू 256। अब देखिए 16 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 4 cos थीटा इंटू x प्लस रूट 11y साइन थीटा, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है वो सर्कल की भी टेंजेंट है, तो सर्कल का सेंटर क्या है, 1, 0 ठीक है। सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 गिवन है, इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 1 यहां प्लस कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो सेंटर क्या है इसका बेटा, 1, 0। अब ये जो टेंजेंट है वो सर्कल की भी टेंजेंट है ठीक है, कॉमन टेंजेंट हो गया, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी, रेडियस इसकी 4 हो गई और ये लाइन हो गई, यहाँ पर टेंजेंट दे रखी 4 cos थीटा इंटू एक्स प्लस रूट 11 वाई साइन थीटा माइनस 16 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस, आप यहां कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस, ये सर्कल की टेंजेंसी का भी केस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ठीक है, कोई भी लाइन
सर्कल को किस केस में टच करेगी? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो रेडियस के इक्वल, तो रेडियस यहाँ पर 4 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1,0 से पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ आ जाएगा 4 cos थीटा माइनस 16 अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यानी 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 4 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए या इसको प्लस माइनस 4 कर देते हैं, मॉड हटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4 cos थीटा माइनस 16, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 16 cos स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 11 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें या 4 पहले कैंसिल कर देंगे तो प्लस माइनस 1 cos थीटा माइनस 4 अपॉन अंडर रूट आ जाएगा 16 माइनस 11, यानी 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 8 cos थीटा। तो बेटा इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा और माइनस का 7 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए 4 7 28, ठीक है 4 7 28, और 28 का अगर फैक्टर करते हैं तो 8 आपको बनाना है, 5 आएगा, 5, ठीक है 5 into 4 20, 10 and 2, तो यहाँ फैक्टर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ जाएगा 2 cos थीटा कॉमन, 2 cos थीटा प्लस 5, माइनस 1 कॉमन तो 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई थ्री। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा एक तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, तो यहाँ पर cos पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई थ्री। क्लियर हुआ बेटा, आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है।